very, very bad accent by Jaya Bachchan. I'm sorry, she's a very senior actor. But boss, पंजाबी नहीं बोलनी आती उनको, तो मत बोलो यार, सिंपल हिंदी बोल लो, हल्का एक्सेंट चलेगा, बट गलत पंजाबी मत बोलो। मूवी बहुत अच्छी है, फैमिली एंटरटेनर है, लर्निंग है न्यू जनरेशन के लिए, क्योंकि जो एम्बिशियस यंग जनरेशन फैमिली को उतनी वैल्यू आजकल नहीं दे पाते हैं, उसको अपने कैरियर के साथ और अपने लाइफ के गोल के साथ और कैसे मेंटेन करना है, वो चीज़ इसमें दिखाया है। सी, फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी है, डायरेक्शन कमाल है, परफॉर्मेंसेस कमाल है, स्पेशली आलिया एंड रणबीर, दे वर ऑसम इन द फिल्म। बट मेरी प्रॉब्लम हो रही है फिल्म के स्क्रीन प्ले से, जो कि सेकेंड हाफ में ठहर गया है। एक वर्ड होता है हमारी लैंग्वेज में कन्वीनियंट स्क्रीन प्ले, कि जब जो प्रॉब्लम आई उसका सोल्यूशन पहले से रेडी है। रियल लाइफ में हमको वैसे सोल्यूशन नहीं मिलते हैं, जो इस फिल्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम बाद में आती, सोल्यूशन पहले से खड़ा है, तो वो फिल्म को ड्रैग करता है। हालांकि फिल्म के डायलॉग्स ए ग्रेड है, वर्किंग है, फनी है, एंड जहाँ इमोशनल डायलॉग्स की जरूरत है वो बहुत ही कमाल डायलॉग्स है। देखिए, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देख के आज का दिन सुधर गया ऐसा लग रहा है। सुबह 8 बजे का शो, इतना बारिश, छाता लेके निकलना पड़ा, उसके बाद भी पिक्चर में बहुत मजा आया। वेरी फ्रेंकली, वो मुझे समझ ही नहीं आया, क्रॉस कल्चर कहने को फिल्म में, लेकिन क्रॉस कल्चर का फील आया ही नहीं फिल्म में। हम बात कर रहे थे कि एक बड़ा थ्रेट क्रिएट होगा, दोनों फैमिलीज में कुछ इश्यू होंगे, लेकिन पहले फ्रेम से समझ में आ रहा है कि बंगाली फैमिली को वो ऐसे मना लेगा, जो मना भी लेता है, और उधर जाके ऐसा लगता है कि आलिया के लिए बहुत आसान था, सबको कन्वीनियंटली मनाते जाओ, वही जो कन्वीनियंट स्क्रीन प्ले की प्रॉब्लम है कि हर फ्रेम में ऐसा लग रहा है वो मना लेगी, और वो मना भी लेती है, जबकि ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में बॉस। अगर आप बड़े लोगों की बात करें या प्रॉब्लम्स की बात करें, तो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती है। तो जया बच्चन का जो एक ग्राफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं क्रिएट हुआ, वो बिल्ट नहीं क्रिएट कर पाई, एंड वेरी वेरी बैड एक्सेंट बाय जया बच्चन। आई एम सॉरी, शी इज अ वेरी सीनियर एक्टर, बट बॉस, पंजाबी नहीं बोलनी आती उनको, तो मत बोलो यार, सिंपल हिंदी बोल लो, हल्का एक्सेंट चलेगा, बट गलत पंजाबी मत बोलो। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की केमिस्ट्री आपको कैसे लगी? आलिया भट्ट की और रणवीर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मैंने गली बॉय देखी थी तब भी मुझे पसंद आई थी, इसके लिए मैं आई थी क्योंकि इनकी केमिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी है। उनको देखने का इंतजार रहता है, बड़े स्टार्स को देखने का इंतजार रहता है स्क्रीन पर, क्योंकि गली बॉय देखी थी तो उनकी केमिस्ट्री तो उसमें भी बहुत अच्छी थी, और इस टाइम भी काफी टाइम बाद फिर से, जब से आफ्टर कोविड, इतने लाइक बड़े स्टार्स, बहुत फुल बॉलीवुड पैक मूवी जिसमें लव, ड्रामा, इमोशन, एंगर, सैडनेस सब कुछ है, तो वो काफ़ी टाइम से देखना था, जो कि इस मूवी ने पूरा किया। देखिए, हमको तो अमिताभ बच्चन और रेखा की केमिस्ट्री याद आ गई, सिलसिला बोलिए और जो पुराने पिक्चर थे ना, वैसी सेम इसमें बनाई है। डॉक्टर करण जौहर की इस मूवी में तो म्यूजिक बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब म्यूजिक ऐसे 3 से 4 गाने बहुत दिन के बाद किसी मूवी के अच्छे लगे, बहुत ज्यादा, स्पेशली दैट झुमका गिरा, ये एक आइकॉनिक सॉन्ग है जो कि बहुत अच्छा था। सर, इस पिक्चर्स में बहुत ऐसे सुपरस्टार थे, जया बच्चन, धर्मेंद्र, शबाना, उनकी एक्टिंग और उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी? देखिए, जितने स्टार हैं सबको अलग अलग तरह का रोल दिया गया है, करण जौहर इसमें माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कॉन्सेप्ट बॉलीवुड के पास बहुत है, लेकिन न जाने क्यों अभी हम लोग साउथ में से डबिंग करने लग गए हैं। इस पिक्चर ने ये साबित किया कि बॉलीवुड के पास अभी भी अच्छी स्टोरियाँ है। मैं तो उनको जज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि उनके सामने ये मूवी इतने हर जगह एक बांध के रखी है, आप उसको छोड़ नहीं सकते बीच में। मुझे सबकी केमिस्ट्री अच्छी लगी, मैं बॉलीवुड का फैन हूँ तो इसलिए मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो आता हूँ, सो वो केमिस्ट्री अगर देखा, हाँ, धर्मेंद्र सर, शबाना आजमी जी, इनकी केमिस्ट्री काफ़ी टाइम बाद देखने को मिली, और एक फ्रेशनेस होती है काफ़ी टाइम बाद जब आप अपने बड़े बड़े अपने दिग्गज कलाकारों को स्क्रीन पर देखते हो, तो उसका एक अपना मज़ा होता है जिसमें आप खो जाते हो, बस कि वंडरफुल। 4.5 स्टार एंड आधा स्टार आलिया भट्ट के लिए, यानी कि 3 स्टार, बिकॉज आलिया बहुत खूबसूरत लगी है, कमाल लगी है। हालांकि करण जौहर ने रणबीर को भी बहुत अच्छा दिखाया है, एंड फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू रणबीर इज ऑल्सो लुकिंग वेरी सेक्सी। 3। थैंक यू सो मच।